बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नक्षत्र में। मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। रोज की तरह बिना ब्रेक बिना रुकावट के हम आपको जल्दी जल्दी बताएंगे आपके सभी 12 राशियों का हाल, क्या करें क्या ना करें, आज आपका दिन कैसा बीतेगा, साथ में बताएंगे आज का पंचांग। इन सबके लिए हमारे साथ स्टूडियो में राजीव शुक्ला जी मौजूद है। आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को प्रणाम। प्रादुर्भूतो अस्मिन् राष्ट्रे अस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे चित्पिपासाम् अलं ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम् हम अभूतिम् समृद्धिं च सर्वानिर्णुद्मे ग्रहात् कन्दद्वारा दुरादर्शाम् नित्यपुष्टाम् करिष्णीम् ईश्वरीम् सर्वभूतानाम् ताम्यहुं पहेश्वरम्। इस प्रकार से वैदिक डिमडिम घोष और जो हमको बताता है किस प्रकार से हमें सुख शांति समृद्धि और साथ के साथ उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, और ये तभी संभव होता है जब हम प्रतिदिन ग्रहों को बहुत ही प्रकार से अन्य कई प्रकार से हम उसको समझने की कोशिश करें, और इससे हम ये जानें कि हमारी जो स्वास्थ्य प्रणाली है, ग्रहों की जो प्रणाली है और उसके साथ जो जीवन की प्रणाली है वो किस प्रकार से एकीकृत हो रही है। तो ये सारी बातों को जानने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना हर रोज़ का राशिफल और राशिफल का प्रभाव हमारे जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को सावधानियों को बरतते हुए आगे बढ़ने में हम लोगों को सहायता देता है। ये सारी बातें इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आज का पंचांग हमको क्या निर्देश दे रहा है, कौन सा समय है उत्तम, कौन सा समय उत्तम नहीं है, और उन छोटी छोटी त्रुटियों को दूर करने के लिए छोटे छोटे उपाय जहाँ भी हैं जैसे भी हैं उसी जगह से आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही शांति प्रदायक करने वाले उपाय। तो हम जानते हैं मेष मीन का आज का हाल। मेष राशि वालों, आज आपको थोड़ा सा संघर्ष आपका बढ़ सकता है, लेकिन उसके बाद आज आपको सफलता मिलेगी, धन आगमन के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं। क्या करना है, छोटी छोटी बातें ही हैं, हर जगह उपलब्ध है, भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर, आप पीले फूल चढ़ा सकते हैं और लाल रंग आज आपके लिए शुभ है। लेकिन बहुत ज़रूरी है ध्यान करना है, आजकल का जिस प्रकार से ट्रांजिट और गोचर चल रहा है उसमें लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, विशेष रूप से खाने पीने से संबंधित। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों, राजनीति से जुड़े हुए लोग, यानी अगर राजनीति से ही जुड़े हैं तो उनको विशेष सफलता मिलेगी, अन्यथा किसी भी कार्य प्रणाली को समझने के लिए अगर कुछ आप विचार कर रहे हैं तो ज़रूर करें। निवेश भी आपको थोड़ा सा बच के करना चाहिए, लेकिन आगे चल के लाभ देगा। क्या करना है, घर के मंदिर में कपूर और कपूर को जला के आरती करने के बाद पूरे घर में परिक्रमा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी से भी आज वाद विवाद की स्थितियां आपको किसी भी गलतफहमी के चौराहे पर ला के खड़ा कर सकती हैं। पूर्व दिशा आज आपके लिए शुभ नहीं है। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों, आपके धन के आगमन के योग बने, और धन केवल एक खुशी देने की ही वस्तु नहीं है, कई प्रकार से दुखों को दूर करने की भी वस्तु है, उसके योग बनेंगे। दोस्तों से भी आज आपको, मित्रों से भी आज आपको मदद मिलती हुई दिख रही है। मिथुन राशि वालों, आज क्या कर ले रहे हैं आप लोग को, आज दिन का शुभ प्रभाव माता लक्ष्मी और उसमें लौंग का एक जोड़ा अगर आप चढ़ाते हैं, ये केवल एक क्रिया ही नहीं है, इस क्रिया मात्र करने से कितनी शांति प्रदान होती है करके देखिए। पीला रंग आज आपके लिए मिथुन राशि वालों शुभता का संचार लेके आ रहा है, लेकिन इन सब शुभ कार्यों को करने के साथ आज आपको किसी भी व्यक्ति से झूठ बोलना या किसी भी तथ्य को छुपाना जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये कतई ना करिए, और इसके साथ साथ दक्षिण दिशा यानी साउथ की दिशा आज आपके लिए शुभ नहीं है। कर्क राशि वालों, आज कुछ धन व्यर्थ में खर्च हो सकता है, कुछ तनाव आपको व्यर्थ में आ सकती है इसकी संभावना है, लेकिन बावजूद इसके दिन भर आप व्यस्तता करते रहेंगे, शाम को जाके कुछ थोड़ा सा आराम मिल सकता है। शिव जी की पूजा करना बहुत ही अच्छा है, नितांत आवश्यक आज आपको रहने वाला है। लेकिन क्या नहीं करना है कर्क राशि वालों को, आज कुछ बातों को लेके विशेष रूप से यदि मेडिसिन से संबंधित कोई बात बता रहा हो अनजान व्यक्ति तो विश्वास बिल्कुल ना करें, आज पश्चिम दिशा आज आपके लिए शुभ नहीं है। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों, कारोबार में बड़े निवेश और बड़े प्रकार के निवेश केवल धन का ही नहीं आपके वक्त का भी हो सकता है। आर्थिक स्थिति आपकी सुधरती हुई दिख रही है आने वाले कालखंड में। क्या करना चाहिए आज आपको, आज आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, काला रंग
आज आपके लिए शुभ है। क्या नहीं करें आज आप सिंह राशि वालों, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य आजकल सबसे पहला सुख, निरोगी काया, ये जरूर ध्यान रखना है, सभी को ध्यान रखना है। आपको विशेष रूप से आज लापरवाही नहीं करनी है, दक्षिण दिशा अशुभ है। कन्या राशि वालों की बात करते हैं। कन्या राशि वालों, छात्रों को यदि आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, अध्ययन में हैं या पढ़ा भी रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी। साथ के साथ निवेश किसी भी प्रकार का हो, समय व्यर्थ में निवेश करने से बचें। क्या करना चाहिए आज आपको कन्या राशि वालों को? कन्या राशि वालों को आज भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, हरि का ध्यान करें, बहुत ही शुभ रहने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और इसके साथ साथ हरा रंग शुभ है। लेकिन कन्या राशि वालों को किसी से अपनी गुप्त बातें शेयर करने से बचना चाहिए, और बाकी आपकी महत्वाकांक्षाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की तरफ आप थोड़ा सा बचें। तुला राशि वालों की बात करते हैं। तुला राशि वालों, टीचिंग के प्रोफेशन में हैं या किसी प्रकार से आईटी से संबंधित फील्ड में हैं, तो आपको कुछ सफलता ज़रूर मिल सकती है। अन्य फील्ड वालों के लिए थोड़ा सा मध्यम रहने वाला है समय। विवादों से बचना आज आपको ज़रूर सीखना चाहिए। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों को क्या करना चाहिए। सबसे अच्छा और निरोगी काया के साथ साथ उत्तम काया छाया देने वाला दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही अच्छा रहता है। हरा रंग आज आपके लिए शुभ है, उसके वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। कारोबार में आज आपको निवेश करना या किसी भी प्रकार से आपको उस तरफ अपना ध्यान ज़्यादा लगाना ठीक नहीं, पूर्व दिशा आज आपको निष्फल है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, रुके हुए कार्य आज आपके, यानी दैनिक जीवन में जो कार्य आप नहीं कर पा रहे थे संपादित, वो कर सकते हैं आज। परिवार की ओर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि स्वयं अपने पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, परिवार पे कुछ कम चल रहा है, तो कंसंट्रेशन उधर भी बढ़ाना भी है। क्या करना चाहिए? अन्नदानम श्रेष्ठ दानम, आज गरीबों को अन्न का दान, या जो जरूरतमंद हो, गरीबों शब्द की जगह जरूरतमंद शब्द अगर हो तो ज़्यादा उसको समझा जाए। किसी से उधार का भी कोई भी लेन देन किसी भी प्रकार का ना करें, और इसके साथ ये भी ध्यान रखें कि पश्चिम दिशा यानी वेस्ट की दिशा आज आपकी शुभ नहीं है। बात करते हैं धनु राशि की। नवी राशि गुरुदेव बृहस्पति देव की राशि, नया कार्य नए प्रकार के तरीके से करने वाला कार्य, नई नौकरी की तरफ आगे बढ़ने का योगादि योग। स्वास्थ्य का लेकिन ज़रूर ध्यान रखें, स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी चीज़ का आज का कारण ये दिख रहा है। आज आपको क्या करना चाहिए? बच्चों को और जो भी अगर ज़रूरतमंद बच्चे हों आपके आसपास हों, तो उनको भोजन का ज़रूर पैकेट से इत्यादि वितरित करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, उनको भोजन कराएं। नारंगी रंग आज आपके लिए शुभ रहेगा। व्यर्थ में लेकिन धन का खर्च करना या व्यर्थ में अपनी ऊर्जाओं को वेस्ट करना, यानी आज आपको इससे हानि हो सकती है। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि दसवीं राशि शनिदेव की राशि, मीडिया है, अगर आप कार्यरत यानी मीडिया में, तो आज आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। अन्य कार्यों से अगर संलग्न है तो उसमें थोड़ा सा आज आपके लिए मध्यमता है। क्या करना चाहिए? मकर राशि वालों को आज श्री सूक्त का पाठ करना बहुत ही नितांत आवश्यक रहेगा, और आज आपके लिए काला रंग शुभ है। ब्लैक यानी काले रंग के वस्त्र उपवस्त्र आप पहन सकते हैं। मकर राशि वालों, किसी अनजान पर विश्वास करना, और इसके साथ साथ आज अपनी कार्य प्रणाली पद्धति किसी को बताना, ये बिल्कुल आज आपके लिए विरुद्ध जाएगा। पश्चिम दिशा आज आपके लिए अशुभ है। कुंभ राशि वालों की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों, छात्रों को अधिक मेहनत करना होगा, और अगर छात्रों के साथ साथ अध्ययन अध्यापन में है, थोड़ा सा मेहनत की डोज बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मानसिक तनाव भी थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। किसी प्रकार से अपने आप को मानसिक रूप से शांत करने के लिए मेडिटेट कर सकते हैं। माता के मंदिर में चुनरी या अपने घर में जो विग्रह है उस पर चुनरी आज चढ़ाएं, बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव मिलेगा। लाल रंग आज आपके लिए शुभ है। व्यर्थ की बातों पर ध्यान देना और व्यर्थ की अफवाहों पर ध्यान देना आज आपके लिए ठीक नहीं रहने वाला है। उत्तर दिशा आज आपके लिए शुभ नहीं है, इसका जरूर आज आपको ध्यान देना चाहिए। कुंभ राशि वालों को ये ध्यान रखने के साथ साथ अब हम बात करते हैं मीन राशि की। अंतिम राशि मीन राशि, प्रॉपर्टी इत्यादि में आपका निवेश आगे आने वाले समय पर कर सकते हैं, उससे आज आपको लाभ हो सकता है, लेकिन ये अभी नहीं, आने वाले कुछ समय बाद कालांतर में ही लाभ होगा इसका। धन का भी योग आदि योग दिख रहा है। विष्णु जी का ध्यान करना
और परमात्मा से शांति की प्राप्ति हो, किस प्रकार से मन शांत हो इसके बारे में जरूर प्रार्थना करिए। पीला रंग शुभ है, अपना वाहन किसी को ना दें या वाहन से संबंधित कोई भी कार्य ना करें, दक्षिण दिशा शुभ है। तो दर्शकों, आपने देखा बहुत जल्दी बिना किसी ब्रेक के गागर में सागर, क्या करना है, छोटी छोटी बातें, हर राशि वालों को ऐसी ऐसी बातें जो केवल केवल आसानी से की जा सकने वाली, अपने घर पर रह के की जा सकने वाली उपाय, और छोटे छोटे उपाय आपका दिन बेहतर बनाए, आपका दिन शुभ हो। गुरु जी, हमारे दर्शकों को बताइए क्या कहता है आज का पंचांग। दिनांक 17 अप्रैल 2020 दसवीं तिथि का मान लगा हुआ है। धनिष्ठा नक्षत्र आज लग चुका है, यानी पंचक नक्षत्र की शुरुआत। वैशाख मास कृष्ण पक्ष राहु काल 10:43 से 12:20 तक, शुभ समय 11:54 से 12:46 तक सिद्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप गुरुजी से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं 800-40-3654 पर। ये गुरुजी का व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पे टेक्स्ट मैसेज करके अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। गुरुजी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के नक्षत्र में बस इतना ही। खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए भारत समाचार।